Hi everyone, this video is all about CSAT and the strategy which I follow, which I used to follow. Because जितनी बार भी मैंने prelims का paper attempt किया है, हमेशा मैंने CSAT qualify ही किया है. That's why I'm sharing. And also I have written a few points so that I don't miss out any important point which I can share with you. So we are already aware of the CSAT pattern. That is 80 questions होते हैं और हर एक question 2.5 marks का होता है. And it is divided into English and Maths, that is English comprehensions, long and short passages, and mathematics reasoning portion. First, let's talk about the comprehensions. See, there are two types of comprehensions, the short ones and the long ones. So, long ones, agar aap solve kar rahe ho, to baar baar usko padhna padta hai, you have to go through the passage again and again, and already there's a shortage of time, 2 hours, right? So it's my advice for you to solve the short questions first, the short comprehensions, and leave the long comprehensions. Because her question ki weightage same hai, and it is although a qualifying paper. So bas aapko 66 marks lane hai. That's it. Okay. Second is previous year question analysis. This is very important. बिकॉज इससे आपको पता लगता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है सीसैट में, क्योंकि हर साल लगभग ट्रेंड, लगभग थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है, बट वैसे ओवरऑल सेम रहता ही है. सो उसके लिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड दैट वीडियो एंड शेयर्ड दैट. यू कैन रेफर रमा शर्मा मैम वीडियोज ऑन यूट्यूब. और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, अगर जैसे टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस एक्सेट्रा, अगर किसी पोर्शन में आपका वीक है, you can refer Sahil sir videos on Unacademy या फिर YouTube. It's already free of cost. Okay, talking about the practice sessions of the CSAT, which is very essential part, क्योंकि even if you start solving the previous year questions and you don't do any practice, तो CSAT में जाके एकदम blank हो जाना है, कोई फायदा नहीं है उसका. So थोड़ा practice करना जरूरी है CSAT में, क्योंकि थोड़ी आदत भी छूट जाती है mathematics को solve करते हुए या ऐसे मतलब papers को, क्योंकि हम GSE पढ़ते रह जाते हैं और एकदम से फिर CSAT का paper आता है, एकदम blank हो जाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए test series like जो मैंने follow करी है हमेशा, वो Vision की करी है. लगभग वो similar pattern पर रहा है हमेशा Vision का test series. या फिर आप career launcher का भी solve कर सकते हैं. Insights is also good for CSAT preparation. Vision, Insights या career launcher, या कोई भी आप ले सकते हैं. दूसरा पॉइंट है कि डोंट गेट स्टक इन एनी क्वेश्चन. ओके, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जस्ट स्किप दैट, सॉल्व अनदर क्वेश्चन. बिकॉज ऑल्दो इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर, अगर एक क्वेश्चन नहीं भी होता, बाकी हो जाते हैं, सो यू आर डन. नेक्स्ट इज पॉइंट इज, यस, 1 week में 2 marks. दैट इज कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 3 months फॉर CSAT प्रिपरेशन. अगर आपका पेपर वन सॉल्व हो जाता है, CSAT नहीं रहता है, बहुत दुख होता है यार. अगर CSAT क्वालिफाई नहीं होता और पेपर वन हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है पेपर वन सॉल्व करने में, उसको क्वालिफाई करने में. इसलिए क्या करना होता है इसमें, कि आप 1 week में कम से कम 2 marks सॉल्व करो, और बाकी टाइम जैसे हर रोज 1-1 घंटा प्रिपरेशन में दो अपना CSAT के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है CSAT में, क्योंकि सारे टॉपिक्स नहीं आते. अब जैसे कुछ टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट, लाइक स्पीड डिस्टेंस है, या ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए, या फिर सिलोसिजम्स हो गए, फिर ब्लड रिलेशंस हो गए, डाइस के क्वेश्चंस हो गए, ये हमें पता ही है, आने ही आने हैं. सो जस्ट वर्क ऑन दीज क्वेश्चंस, वर्क ऑन दीज एरियाज, थोड़ा उसको स्ट्रेंथन करो, उसको एनालाइज करो कि क्यों गलत हो रहा है और क्या आंसर है. सो इट वुड बी बेटर. देन कहाँ से आप ये मटीरियल बाय कर सकते हो? सी, आइदर ऑनलाइन, जैसे टेलीग्राम के ग्रुप्स बने हुए हैं, चैनल्स बने हुए हैं, वहाँ पे PDFs अवेलेबल होती है, या फिर ऑफलाइन जाके, लाइक राजेंद्र नगर दिल्ली में अगर आप हो, तो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑफलाइन जाके शॉप्स पे, राजेंद्र नगर, करोल बाग या मुखर्जी नगर, और भी जगह होती होंगी, ये जगह थोड़ी ज़्यादा कॉमन है एस्पिरेंट्स के लिए, तो यहाँ, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो. या फिर आप कोरियर करा सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिल्ली, नो इशूज, बिकॉज कोरियर सिस्टम है. और अगर आपका कोरियर भी नहीं हो पा रहा है, तो जैसे फोटोकॉपी वालों के जो नंबर है गूगल पे अवेलेबल है, जैसे आकाश के होते हैं या दीपक फोटोकॉपी, आकाश फोटोकॉपी, सो गूगल पे आप नंबर्स इनके मिल जाते हैं, तो वो भी कोरियर करा देते हैं. और अगर वो भी नहीं है ऑप्शन, लाइक कोरोना की वजह से या कोई भी एक्सपायर्ड रीजन की वजह से, कोई बात नहीं, एक वेबसाइट है, दैट इज upscfreematerial.com. तो वहां पे जाके आपको सारे टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर सबके मिल जाएंगे, विजन के हैं,
या कोई भी इंस्टीट्यूट के, IAS भावा, विजन इनसाइट, सबके PDFs अवेलेबल है। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो फ्री UPSC मटेरियल पे, क्योंकि आपको पूरे अपडेट्स मिलते रहेंगे अपने ईमेल आईडी पे भी। सो इट वुड बी बेटर कि आप अपडेटेड रहो, और अगर नहीं भी है प्रिपरेशन कहीं पे भी बैठ के कर रहे हो, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट, कहीं पे भी एरिया में, सो मटेरियल आपको मिल जाएगा इजिली फ्री UPSCmaterials.com पे। सो दिस इज इट, माई स्ट्रैटेजी ऑन CSAT, दैट इज प्रैक्टिस and previous year questions and test series, which is very essential for CSAT and for qualifying CSAT. Thank you.